हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं और हम थार्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, पावलोव के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं और वाटसन के सिद्धांत को भी हमने पढ़ा है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्किनर का रहेगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो लेते हैं अपन क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को कहते हैं ओपेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहेंगे, यानी इसको शॉर्ट में ओसी थ्योरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओसी थ्योरी कह सकते हैं। तो बात यह है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया किसने, तो सबसे पहले बात आती है इसके प्रवर्तक कौन है। जी, प्रवर्तक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें स्किनर यानी बीएफ स्किनर है, बीएफ है स्किनर। बीएफ स्किनर का मतलब हो गया बुरहम फ्रेडरिक स्किनर। यस, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं बीएफ स्किनर लिखते हैं अपन, बीएफ है स्किनर। ये तो रही बात प्रवर्तक की। अब बात आती है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो बीएफ स्किनर ने दिया, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर ने दिया है, ये कहां के हैं? तो याद रखिएगा, ये जी अमेरिका के निवासी हैं। कहां के हैं? अमेरिका के निवासी हैं। और इस बुरहम फ्रेडरिक ने प्रयोग किस पर किया, किस पर प्रयोग किया है, यानी इसने प्रयोग किस किस पर किया और कैसे प्रयोग किया और किसके आधार पर इन्होंने प्रयोग किया। तो क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत के अंतर्गत है, बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किए हैं वो दो प्रयोग किए हैं। एक तो प्रयोग किया उन्होंने चूहे पर और एक प्रयोग किया है इन्होंने कबूतर पर या कबूतरों पर। चूहों पर और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग किया। चूहों पर प्रयोग इन्होंने 1938 ईस्वी को किया, ठीक है, और जो कबूतरों पे जो इन्होंने प्रयोग किया है ये 1943 ईस्वी को किया है, 1943 ईस्वी को, ठीक है। अब बात ये आती है, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सामने आएगा, पेपर में आ सकता है, कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो बीएफ स्किनर ने जो दिया है आधारित किस पर है। जी, यहां पे ये सिद्धांत आधारित किस पर है, अगर आपको यू पूछ ले कि किस पर आधारित है, जी आधारित किस पर है, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हमारा जवाब होगा थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। नियम पर आधारित, यानी थार्नडाइक ने जो संबंधवाद संयोजनवाद प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर जो मुख्य नियम तीन दिए थे उसमें से प्रभाव या परिणाम या संतोष के नियम पर आधारित है। बात याद रहेगी, यानी बुरहम फ्रेडरिक स्किनर का क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जबकि एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसी थार्नडाइक का, यानी एडवर्ड ली थार्नडाइक, इसका पूरा नाम जो था एडवर्ड ली थार्नडाइक नाम है। क्या है पूरा नाम? एडवर्ड ली थार्नडाइक। इसी एडवर्ड ली थार्नडाइक की आलोचना भी इसी स्किनर ने की है, यानी जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत है, इन्होंने थार्नडाइक के प्रभाव के नियम को तो अपनाया परंतु साथ ही साथ उसकी आलोचना भी की है। तो याद रखिएगा, इन्होंने थार्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना की। ये बात अपन आगे भी इसी सिद्धांत में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उसने ये आलोचना की है और कैसे ये आलोचना रहेगी, देखिएगा अभी। ये बात आपको समझ में आई, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया है। फिर प्रयोग किस किस पर किया, चूहों पर किया 1938 को और कबूतरों पर किया 1943 ईस्वी को, ओके। इसके बाद दूसरी बात कि सिद्धांत आधारित किस पर है, तो हमारा जवाब होगा कि थार्नडाइक के प्रभाव या परिणाम के नियम पर आधारित है, परंतु एडवर्ड ली थार्नडाइक के सिद्धांत का इन्होंने आलोचना भी की है, ओके। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा अलग से क्या विशेष बात है वो ध्यान से सुनेंगे अपन, देखिएगा। अब इसमें एक तरफ तो मैं बात ले रहा हूं थार्नडाइक की और एक तरफ बात ले रहा हूं मैं स्किनर की,
हम प्रयोग बाद में करेंगे, एक बार देखो इसके ऊपर बात करते हैं, इसमें अलग अलग क्या विशेष बात अच्छे से समझेंगे। देखो देखो फान डाइक ने जो प्रयोग किया उसमें उद्दीपक था, यानी स्टिमुलस पहले था, स्टिमुलस को देखकर ही क्या हो रही थी, प्रतिक्रिया हो रही थी, यानी इसमें उद्दीपक उपस्थित है, इसमें उद्दीपक उपस्थित नहीं है। इसी बेस पे हम थोड़ा सा इनका अंतर करते देखिए, जैसे इसमें तो उद्दीपक ज्ञात है और इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं है, उद्दीपक ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों में मुख्य अंतर तो यही हो गया ना कि इसमें तो उद्दीपक ज्ञात है, इसमें उद्दीपक ज्ञात है नहीं है, यानी इसमें तो जैसे एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी बिल्ली उस मछली के टुकड़े को देखकर ही क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, जबकि यहां पर उल्टा होता है, आर एस यानी रिस्पॉन्स पहले और प्रतिक्रिया बाद में। इस बात को हम समझेंगे, बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस बेस पर कुछ विशेष बातें आती हैं, उद्दीपक ज्ञात हो तो वहां पर किस प्रकार से जैसे बिल्ली का व्यवहार था वो कैसा व्यवहार था, और बिल्ली के द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। देखो जहां उद्दीपक ज्ञात होता है, जहां उद्दीपक ज्ञात होता है और वहां पर उस बिल्ली का जो व्यवहार था वो व्यवहार कहलाता है अनुक्रियात्मक व्यवहार। क्या कहलाता है? अनुक्रियात्मक व्यवहार। और इसके अंदर जो उद्दीपक ज्ञात नहीं है और यहां पर जो व्यवहार किया जाता है वो कहलाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत नाम पड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा कोशिश कर रहा हूं, देखो सुनिए। यानी बिल्ली के द्वारा, बिल्ली के सामने उद्दीपक था तब उसको उछल कूद, यानी बिल्ली उद्दीपक को देखकर ही क्या कर रही है? प्रतिक्रिया कर रही है, उछल कूद मचा रही है। और यहां पर उस प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी और बिल्ली का व्यवहार क्या होगा? जी बिल्ली का व्यवहार क्या है, यानी यहां पर बिल्ली का व्यवहार जो है वो तो है अनुक्रियात्मक व्यवहार, अनुक्रियात्मक व्यवहार। यस, यहां तो है अनुक्रियात्मक व्यवहार। और बिल्ली जब किसी उद्दीपक, जैसे जब वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात हो और जो उद्दीपक ज्ञात होने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, यहां पर जो प्रतिक्रिया यहां पे होगी वो प्रतिक्रिया कहलाती है प्रकाशिक अनुक्रिया। प्रकाशिक अनुक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाशिक अनुक्रिया। यानी इसके अंदर जब उद्दीपक ज्ञात है तब बिल्ली के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो तो है अनुक्रियात्मक व्यवहार, और उस बिल्ली के द्वारा जो प्रतिक्रिया, जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उछल कूद का, निकलने का प्रयास का, वो होता है प्रकाशिक अनुक्रिया। क्या होगी? प्रकाशिक अनुक्रिया। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर उद्दीपक ज्ञात नहीं है फिर भी व्यवहार और प्रतिक्रिया तो होगी, व्यवहार और प्रतिक्रिया चर्चा करेंगे, लेकिन समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। जैसे व्यवहार और प्रतिक्रिया, यानी उद्दीपक ज्ञात नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहार किया जाता है, जो प्रतिक्रिया व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्या कहलाएगा? क्रिया प्रसूत व्यवहार। यानी उद्दीपक ज्ञात नहीं है, उद्दीपक ज्ञात न होने के कारण भी जो व्यवहार किया जाता है वो तो है क्रिया प्रसूत व्यवहार, और उद्दीपक ज्ञात नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण भी प्रतिक्रिया होती है, यानी उस प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे? यस, उस प्रतिक्रिया को कहेंगे उत्सर्जित या निर्गमित, निर्गमित अनुक्रिया, अनुक्रिया, अनुक्रिया की बात आएगी। देखिएगा, यानी जब उद्दीपक ज्ञात नहीं हो तो वहां पर जो व्यवहार होगा वो होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार, और जो उद्दीपक ज्ञात नहीं है फिर भी प्रतिक्रिया हो रही है तो वो प्रतिक्रिया कहलाती है उत्सर्जित या निर्गमित अनुक्रिया। अब देखो इसको ऐसे समझे, जैसे समझो, अब ध्यान से सुनना।
जैसे हमारा रिट का एग्जाम आ गया जी, या भले ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम आ गया मान लो, ठीक है। अब हमारे सामने ये क्या है, उद्दीपक है कि नहीं है जी, है। अब हम क्या कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं जी, लगातार पढ़ रहे हैं और व्यवहार क्या कर रहे हैं कि मुझे पार करना है, क्लियर करना है। तो वो हमारी जैनी जब उद्दीपक ज्ञात हो क्रिया कर रहे हो, तो वहां पर जो आपका व्यवहार यहां पे होगा वो रहेगा अनुक्रियात्मक व्यवहार, और जो प्रतिक्रिया कर रहे हो आप इस उद्दीपक के प्रति, इस रिट के एग्जाम के प्रति या सेकंड ग्रेड के एग्जाम के प्रति जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, जो प्रतिक्रिया आप कर रहे हो वो क्या कहलाएगी, प्रकाशिक अनुक्रिया, प्रकाशिक अनुक्रिया कहलाएगी। अगर इसी बात को थोड़ा अलग ऐसे ले लू, एग्जाम्पल को चेंज करके देखो कि मान लो कि एक लड़का है या एक लड़की, एक लड़का बिना किसी उद्दीपक के तैयारी करता है, बिना उद्दीपक के, उसको ये नहीं पता कि मुझे किस एग्जाम की ओर जाना है, मुझे कौन से एग्जाम को तैयार करना है या कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसे कुछ नहीं पता, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, व्यवहार और प्रतिक्रिया। कौन सा व्यवहार जी, लगातार कर रहे हैं, क्रिया पर सूत व्यवहार है, यानी किसी क्रिया को बार बार कर रहे हैं, तो क्या है, बिना उद्दीपक के भी किया जाना क्या हो गया, क्रिया पर सूत। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी, जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, उत्सर्जित या निर्गमित अनुक्रिया होगी। ये बात समझ में आई, इसके बाद देखिएगा। अगर ऐसे भी ना समझ में आई हो तो हम एग्जाम्पल बिल्ली वाला भी ले सकते हैं और चूहे वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने प्रयोग किसने किस पर किया है, चूहे पर, और इसने प्रयोग किस पर किया है, बिल्ली पर किया। ओके, किस पर है, बिल्ली पर किया। अब देखें, अब थोड़ा सा अलग हो गया, अब हमें यह भी तो जानना जरूरी हो जाता है कि व्यवहार क्या है। देखो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपको डाउट किस पे है, इस व्यवहार पे, व्यवहार क्या होता है, व्यवहार होता क्या है, ध्यान से सुनिए, व्यवहार क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, किसे कहेंगे हम व्यवहार। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मस्तिष्क में अनेक विचारों के बाद मस्तिष्क क्रिया शरीर द्वारा प्रदर्शित होती हो, वही क्या है, हमारा व्यवहार है। जैसे मस्तिष्क में क्या आएंगे, अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के बाद में मस्तिष्क कोई क्रिया करने के लिए किसको प्रेरित करता है, शरीर को, यानी कार्य करने के लिए किसके द्वारा, व्यवहार करेंगे। जैसे मैं अभी ऐसे किया, तो ये क्या है, विचार था मस्तिष्क में, व्यवहार के बारे में बताना, तो ये क्या था, शारीरिक प्रदर्शन हुआ, और ये शारीरिक प्रदर्शन ही क्या है, व्यवहार है, क्या है, व्यवहार। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यवहार जो है वो मनोशारीरिक होता है, क्योंकि व्यवहार की प्रकृति मनोशारीरिक होती है, क्या होती है, मनोशारीरिक। जैसे इस प्रयोग में अगर हम चूहे की बात कर लें, किसकी बात कर लें, चूहे की, मान लो कि हम एक चूहा लेते हैं। अब चूहे बेस पे देखो, इस बात को मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूं कि चूहे के बेस पे इसको कैसे समझें, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम चूहे की बात करें और बिल्ली की बात करें, तो यहां पे थोड़ा सा अलग, देखो अलग सामने क्या क्या विशेष बात आएगी, यानी यहां पे प्रयोग हुआ बिल्ली पर और यहां पर प्रयोग हुआ चूहे पर, बिल्ली पर और चूहे पर। अब बिल्ली के लिए यहां पे पहले उद्दीपक जो है वो ज्ञात है, उद्दीपक ज्ञात है, और उद्दीपक क्या था, आपने पढ़ा था मछली का टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा, और प्रतिक्रिया क्या थी, रिस्पॉन्स क्या था, उछल कूद करना, उछल कूद करना था, थाक नहीं था। चूहे की बात करें, चूहे की जैसे प्रकृति क्या है, उछल कूद करना बिना उद्दीपक के भी, फिर उसके बाद कोई उद्दीपक मिल जाए, क्या मिल जाए, उद्दीपक। जैसे यहां पे तो क्या था, एस, और यहां पे आर था,
यानी इस मछली के टुकड़े को पाने के लिए ही बिल्ली कोई ना कोई रिस्पॉन्स करती है, और इनके मध्य ही संबंधवाद या संयोजनवाद या साचर्यवाद का संबंध स्थापित होता है, जिससे बिल्ली दरवाजा खोलना सीख जाती है। ये तो था एस आर पे, यानी इसमें ज्ञात था। क्या था? ज्ञात। और इसमें देखो, जैसे चूहे की प्रकृति, जैसे आदत ही होती है कि उछल कूद करेगा, उसके बाद उसे उछल कूद के बाद यानी प्रयास के बाद अगर भोजन मिलता है, यानी स्टिमुलस मिलता है, आ रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्या होगा? बार बार वही क्रिया करेगा। चलो एक बात और लेते हैं छोटा सा। ओ है जी कोई मोहल्लो, ठीक है, यहां पे किसी का घर है, अगल बगल में कोई अड़ोस पड़ोस के पूरा मोहल्ला बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक लड़का, ठीक है, ध्यान से सुन लो, अभी अब समझ में आएगा आपको। ये साइकिल लेके रोजाना इस मोहल्ले में जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया पहले कर रहा है, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहा है। अब अनुक्रिया के बाद एक दिन मोहल्ले में यहां पे दापा मिल गई जी, यहां पे कोई लड़की मिली, और इसने इसकी तरफ जी मुस्कुरा दिया थोड़ा सा, ये क्या हो गया यहां पे, पुनर्बलन हो गया। अब इसी पुनर्बलन के कारण ये रोजाना फिर यहां के चक्कर देगा, यानी कहने का मतलब यहां पर जो पहली बार जो भोजन मिलेगा या विशेष प्रकार की सिद्धांत के अंदर कोई ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा, पुनर्बलन होगा। यानी इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया गया है, और इसमें इनमें सिर्फ अनुक्रिया को, प्रतिक्रिया को, यानी बार बार अभ्यास पे, जबकि ये किस पर देता है, किसी पुनर्बलन पर। यानी पुनर्बलन, अगर पुनर्बलन बालक को दिया जाए या किसी प्राणी या चूहे को पुनर्बलित किया गया, बाद में उसे रिस्पॉन्स मिला, तो बाद में वो उसी क्रिया के आधार पे उसी बार बार को उसी क्रिया को दोहराने लग जाएगा। तो यहां पर देखिए, अब हम प्रयोग की बात करेंगे, तो यहां पर एस आर है और यहां पर आर एस है, आर एस क्या है, आर एस, और यहां पर जो इसके बाद जो यहां पे व्यवहार होगा उद्दीपक को देखकर बिल्ली का जो व्यवहार था वो कौन सा व्यवहार था जी, यहां पर था अनुक्रियात्मक व्यवहार, और यहां पर जो चूहे का व्यवहार था वो क्या था जी, कौन सा व्यवहार था जी बताओ, क्रिया प्रसूत व्यवहार था, और यहां पे प्रतिक्रिया जो थी वो कौन सी थी जी, वो थी कौन सी, यास कौन सी, प्रकाशिक अनुक्रिया, और यहां पर रहेगी जो प्रतिक्रिया रहेगी वो निर्गमित या फिर उत्सर्जित। ओके, ये बात आपको ध्यान रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसके सिद्धांत को मूल तौर पे पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि सिद्धांत कैसे था, किस प्रकार से उस सिद्धांत को अपनाया गया, किस प्रकार से पुनर्बलन पे बल दिया गया है, और पुनर्बलन के रूप में कैसे काम में लिया गया। क्या उद्दीपक ज्ञात था जी? नहीं, उद्दीपक ज्ञात नहीं था, उद्दीपक बाद में आता है, रिस्पॉन्स पहले होता है, प्रतिक्रिया पहले होगी और यानी उसके बाद उद्दीपक होता है, स्टिमुलस बाद में, पर स्टिमुलस के अंदर भी उसमें महत्वपूर्ण जो कारक माना गया वो पुनर्बलन को माना गया। जब तक पुनर्बलन नहीं होगा यानी उसके बाद स्टिमुलस नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए इसके प्रयोग की, प्रयोग को समझने का पूरा प्रयास करते हैं, बात करते हैं। देखो प्रयोग पे, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, अब एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स में एक चूहा है, और ये जो सामने है इसमें भोजन है जी, क्या है भोजन, मतलब गेहूं के दाने हैं, किसके, गेहूं के दाने, ठीक है। अब देखो चूहा क्या करेगा, जैसे इस बॉक्स में अंदर जाएगा तो अनेक प्रतिक्रिया करेगा यानी अनेक अनुक्रिया करेगा। देखो अगर वो इधर उधर अगल बगल में जाएगा तो इसमें अगर वो गलत रास्ते पे चला जाता, मान लो कि इस साइड में जाता है, तो क्या होगा, जैसे कभी रेड लाइट तो कभी ये सिंगल लाइट चलती है, ठीक है, परंतु जैसे ही धीरे धीरे वो इधर इधर बगल वाले रास्ते पे इधर आता है तो यहां पे एक स्पीकर लगा होता है। अब जैसे ही वो इसके ऊपर पैर रखता है तो उसके पीछे से क्या आती है, स्पीकर की
आवाज आती है। ये स्पीकर की आवाज यहां पे क्या है, पुनर्बलन है। क्या है, पुनर्बलन। यानी जैसे इसको स्पीकर की आवाज सुनेगी तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे इसमें अनेकों अनुक्रिया करता रहेगा, तो यहां पे सबसे पहली बात तो है, यानी चूहे के द्वारा की गई अनुक्रिया यहां पे क्या कहलाएगी, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी अब तक उद्दीपक नहीं है, इसके अंदर जैसे ही चूहा गया और चूहे के द्वारा अनेक अनुक्रिया की गई, तो इस प्रकार की अनुक्रिया को आप क्या कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे निर्गमित, निर्गमित अनुक्रिया या उत्सर्जित अनुक्रिया कहेंगे। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस चूहे के द्वारा, देखो इस चूहे के द्वारा जब अनेक अनुक्रिया की जाएगी तो ये उसका व्यवहार कौन सा है जी, अगर उसके बिना उद्दीपक, अब तक उसके सामने क्या नहीं है, उद्दीपक नहीं है, तो उद्दीपक नहीं होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे, अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई व्यवहार वो दर्शा रहा है। तो व्यवहार क्या कहला रहे हैं, क्रिया प्रसूत कहला रहे हैं, क्रिया प्रसूत व्यवहार कहला रहे हैं। यानी फिर भी वो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, यानी क्रिया प्रसूत व्यवहार है। ओके, देखिए जैसे यहां पे स्पीकर की आवाज सुनेगी तो यहां पे चूहा आगे बढ़ेगा। अब चूहा इधर कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, ठीक है। अब ऐसे वो अनेकों अनुक्रिया करेगा और अनेकों अनुक्रिया में जो उसका व्यवहार होगा वो कौन सा होगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार होगा। अचानक उस पे इस बॉक्स के अंदर यहां पे एक लीवर लगा होता है, ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा आपको एक लीवर है। अचानक से इसका पैर इस लीवर के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही पैर लीवर के संपर्क में आया, यहां ये जो लगा हुआ बॉक्स, यहां से भोजन का दाना आ जाता है। कई बार इसको अलग तरीके से समझा देते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक या फिर कहीं हमारे अध्यापक गण, तो बात अलग है। जैसे ही यहां पे इस लीवर पर इसका पैर जाएगा तो यहां से दाना नीचे आ जाएगा और चूहा उस दाने को खाएगा। तो देखिए, यानी पहले उसने क्या किया है, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स पहले है, रिस्पॉन्स क्या है, पहले है। अब रिस्पॉन्स पहले, परंतु उसके बाद जो यहां पर उसे दाना प्राप्त हुआ, यानी उद्दीपक के रूप में उसे दाने प्राप्त हुए, वो है भोजन, और भोजन उसको बाद में मिलता है, भोजन उसको बाद में मिलता है। यानी आरएस थ्योरी, तभी तो इसको क्या कहा जाता है, एसआर थ्योरी के बजाय, एसआर के बजाय ये आरएस पर बल देता है। वो तो कहता है, जैसे थांडाई जी तो कहते हैं कि पहले उद्दीपक होना चाहिए, ये कहते हैं कि बिना उद्दीपक भी होता है, उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, बिना उद्दीपक भी व्यक्ति उद्देश्य की ओर पहुंच जाता है। ये एक बार पेपर में भी आया था कि व्यक्ति का वह व्यवहार जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पुनर्बलन की आवश्यकता होती है वह कहलाती है, तो वो कहलाती है शेपिंग प्रविधि। क्या कहेंगे उसको, शेपिंग प्रविधि। तो यहां पे देखिए, यानी इसके अंदर पहले भोजन नहीं था, ध्यान से सुनिए, इसमें भोजन नहीं मिला, परंतु इस भोजन तक पहुंचाने का काम किसने किया है, पुनर्बलन ने किया है। किसने किया है, पुनर्बलन ने। यानी ये जो पुनर्बलन है, इस पुनर्बलन ने ही इसको लक्ष्य हासिल करवाया। लक्ष्य हासिल करवाना मतलब दानों तक पहुंचाना। ओके, तो चूहे द्वारा की गई अनुक्रिया क्या होगी, निर्गमित अनुक्रिया होगी, जो पहले रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर ये किससे हुआ, जैसे वो सही रास्ते पे चलता है तो धीरे धीरे वहां पे पीछे से क्या आती है, स्पीकर की आवाज आती है, आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है यहां पर, फिर अचानक इसका, जैसे चूहे की आदत होती दीवारों की ओर निकलने की कोशिश करना, फिर यहां पर इसका पैर रखता है। जैसे यहां पर पैर इसके संपर्क में आता है, दाना आ जाता है, दाने को खा ले जाता, खाता है, संतुष्टि हो जाती है, फिर क्या करेगा। इसी प्रकार से यह प्रयोग एक दिन में नहीं, काफी दिन दोहराया गया। तो अगर वो गलत डायरेक्शन में जाता है, गलत दिशा में जाता है, तो वहां पे स्पीकर नहीं बजता, ये लाइटें जगती हैं, यानी रेड लाइट और सिग्नल लाइट। सिग्नल लाइट में क्या होता है, जैसे एक साथ दो दो तीन तीन प्रकार की, जैसे एक साथ संपर्क से लाइट, से कभी कम कभी ज्यादा, वो जो लाइट है वो जलेगी। तो यहां पर अगर वो सही रास्ते पे है तो उसको स्पीकर की आवाज सुनाई देगी और उससे क्या होगा, पुनर्बलित होगा। स्किनर ने यह भी कहा, याद रखिए, स्किनर ने यह भी कहा कि बिना उद्दीपक भी अनुक्रिया होती है। यानी किसी अनुक्रिया के लिए, जैसे इस अनुक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी चूहे ने जो अनुक्रिया की, इसके लिए उद्दीपक आवश्यक नहीं है,
उद्दीपक आवश्यक नहीं है। यानी स्किनर का मानना है, यह बात ध्यान से सुनिए, स्किनर का मानना है कि किसी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। प्राणी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है, यानी उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, प्राणी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है। तथा यदि उसके बाद अगर पुनर्बलन के बाद उसे कोई, या फिर कहीं यदि उसके बाद उसे अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां पे क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, जैसे ये बात ध्यान रखना, अगर अज्ञात उद्दीपक यानी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है, उसके बाद अगर उसे ज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए, अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए, यस, अगर उसे अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए जो उसकी अनुक्रिया के बाद पुनर्बुलन के रूप में काम करता है, यानी किसके रूप में काम करता है, ये जो अज्ञात उद्दीपक जो प्राप्त होता है वो अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन का कार्य करता है। किसका काम करता है? पुनर्बलन का। यानी ये किसका काम करेगा? अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन का कार्य करता है। ओके, अब देखें, अब इस बात को थोड़ा और अलग तरीके से समझें। इसमें पहले क्या हो रही थी? अनुक्रिया। क्या हो रही है पहले? अनुक्रिया। पहले इसमें अनुक्रिया क्या थी? उसका उछल कूद मचाना, यानी अनुक्रिया पहले है, रिस्पॉन्स उसमें पहले है, और उस रिस्पॉन्स के बीच में एक काम कौन करता है? पुनर्बलन काम करता है, ये वाला, ये किसका काम करता है यहां पे? पुनर्बलन। अब पुनर्बलन के बाद इसे क्या मिलता है? उद्दीपक मिलता है, मतलब भोजन मिलता है, यानी स्टीमुलस मिलता है, स्टीमुलस। ओके, जैसे ये अब क्या हो गया? आर एस। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अमर आर एस थ्योरी कहेंगे। जबकि थांडाइक इस बात को थोड़ा अलग कहता है, वो कहता है स्टीमुलस से ही क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। ये कहता कि किसी स्टीमुलस की आवश्यकता नहीं है, बिना उद्दीपक बिना स्टीमुलस के भी अनुक्रिया हो सकती है या होती है, और प्राणी जब बिना उद्दीपक के अनुक्रिया करता है और उसके बाद उसे कोई अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए तो अनुक्रिया के बाद वह पुनर्बलन का कार्य करता है। जैसे यहां पे पुनर्बलन हो सकता है, यह भोजन भी यहां पे किसका काम कर सकता है? पुनर्बलन का काम है, कर सकता है, पर भोजन की प्राप्ति के लिए इसको पुनर्बलन यहां पे धौनी, परंतु जैसे उसे भोजन अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, वो भी उसके लिए क्या कार्य करता है? पुनर्बलन का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित है। यानी यह जो अनुक्रिया है यह किससे संबंधित है? यानी अनुक्रिया पुनर्बलन से ही संबंधित है। याद रखिएगा, अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित है, याद रखिए कि अनुक्रिया पुनर्बलन से ही संबंधित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुनर्बलन के रूप में जो भोजन मिला है वो भी क्या है? पुनर्बलन ही है। और यहां पे स्पीकर की जो ध्वनि थी, पहली बार अगर उसे भोजन मिला है तो वो भी क्या है? पुनर्बलन है। परंतु उसको भोजन से पहले जो ध्वनि वाली आवाज थी वो भी क्या है? पुनर्बलन है। ओके, तो स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है। किस पर? याद रखिएगा, पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है। जबकि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल का है, क्लार्क हल क्लार्क लियोपोल्ड हल नाम उसका, तो क्लार्क हल ने जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, जबकि ये पुनर्बलन को विशेष बल देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, याद रखिएगा, स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को जन्म दिया। और पुनर्बलन को यहां पे दो प्रकार के, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। जैसे ये तो क्या हो गया? इसमें सकारात्मक हो गया, और ये इसमें क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। यानी पुनर्बलन को भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया?
दो भागों में, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, अब बात करते हैं इस बॉक्स की। देखो इस बॉक्स को पहले स्किनर ने जो नाम दिया था, स्किनर ने इसको जो नाम दिया, स्किनर ने नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, अनुबंध कक्ष, क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष। यानी स्किनर ने इसको जो नाम दिया वो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, परंतु उनके शिष्यों ने बाद में इसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया। किसका? स्किनर बॉक्स। यानी इसी क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष को उनके शिष्यों ने, यानी स्किनर के बाद उनके शिष्यों ने इसको क्या नाम दिया है? स्किनर बॉक्स नाम दिया है। और आगे चलकर यही स्किनर बॉक्स टीचिंग मशीन कहलाया। ये क्या कहलाया आगे चल के? टीचिंग मशीन कहलाई। क्या कहलाई? टीचिंग मशीन। ओके, क्या कहलाई? टीचिंग मशीन कहलाई। तो देखिए इसमें सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की अगर हम बात करें तो सकारात्मक में क्या क्या होता है? जैसे पुरस्कार सकारात्मक है, अगर बच्चा किसी कार्य को अच्छे से करता है, अगर हम उसकी प्रशंसा कर दें तो वो भी क्या है? सकारात्मक है। अगर किसी कार्य विशेष करने के बाद अगर हम बच्चे की पीठ थपथपा दें तो वो भी क्या है? सकारात्मक है। हो सकता है उसका सम्मान, अगर हम उसका आदर सम्मान करें वो भी क्या है? उसके लिए सकारात्मक है। अगर हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, जैसे किसी को दंड देना, डांटना, फटकारना, शोक पहुंचाना, मतलब ठेस पहुंचाना कहें किसी को, यानी किसी को ठेस पहुंचाना, या फिर हम कहें किसी की निंदा करना, वो क्या रहेंगे? नकारात्मक पुनर्बलन रहेंगे। वैसे स्किनर ने पुनर्बलन को चार अन्य भागों में बताया कि किस प्रकार से पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चे को पुनर्बलित किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को लाने का श्रेय किसको जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को लाने का श्रेय स्किनर को जाता है, बी एफ स्किनर, यानी बुरहम फ्रेडरिक स्किनर को जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो पुनर्बलन को काम में लेते हैं वो कितने प्रकार से, किस प्रकार से उसको काम में लाया जाना चाहिए। तो देखते हैं, अभी ये बात आपको सभी समझ में आई होगी, यानी इसके अंदर ये बात फिर रिवाइज कर रहा हूं। स्किनर ने जो अपना सिद्धांत प्रयोग किया उसमें ये कहा कि उद्दीपक के बिना भी अनुक्रिया होती है, जो उद्दीपक के बिना अनुक्रिया होती है वो निर्गमित अनुक्रिया होती है, और उद्दीपक के बिना जो व्यवहार होता है, उद्दीपक के बिना, किसके बिना? उद्दीपक, उद्दीपक के बिना जो व्यवहार होता है वो क्रिया प्रसूत व्यवहार है। क्या है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है। अगर उसके बाद अनुक्रिया के बाद अगर कोई अज्ञात उसे अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए, यानी अनुक्रिया के बाद उसे अज्ञात उद्दीपक प्राप्त हो जाए तो वो पुनर्बलन का कार्य करता है। इसलिए इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि अनुक्रिया का संबंध या अनुक्रिया किससे संबंधित होती है? पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपक से। याद रखिए, अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपक से। यानी उद्दीपक से नहीं होती, किससे संबंधित होती है? पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपक से। अगर उद्दीपक से अनुक्रिया संबंधित हो जाए तो उद्दीपक से अगर अनुक्रिया संबंधित है तो थांडाई का सिद्धांत है। किसका? थांडाई का। अगर उद्दीपक से अनुक्रिया संबंधित है, याद रखिए इस बात को, अगर उद्दीपक से अनुक्रिया संबंधित है तो मतलब थांडाई का सिद्धांत एसआर थ्योरी है। यानी इस उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया हो रही है तो क्या है? एसआर थ्योरी। ये कह रहा है कि उद्दीपक से इसका कोई संबंध नहीं, किसका है? पुनर्बलन का। किसका? पुनर्बलन का। तो अब बात करते हैं हम पुनर्बलन के, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को किस प्रकार से काम में लाया जाना चाहिए और कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए पुनर्बलन के प्रकार की बात करें तो चार प्रकार से इसको पुनर्बलन को भाग बांटा गया। तो पहला था जैसे सतत पुनर्बलन। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन। क्रिया के सतत का मतलब है कि कोई क्रिया कर रहा है उसके तुरंत बाद क्या कर दिया जाए? पुनर्बलित कर दिया जाए। तो स्किनर इस बात को कहता है
कि क्रिया के तुरंत बाद ही क्या करना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। जैसे कक्षा कक्ष में, कक्षा में जैसे किसी बच्चे के 10 में से 10 आए, आपने ना तो उसको शाबाश कहा ना उसको प्रशंसा कही, दूसरे दिन याद आया ओहो मैंने तो इसको 10 नंबर आए या 20 में से 20 आए, मैंने तो इसको शाबाश ही नहीं कहा, तो यानी दूसरे दिन उसमें शाबाश या फिर पीठ थपथपाने से क्या फायदा। एक तो तुरंत यानी क्रिया के तुरंत बाद अगर पुनर्बलन मिलता तो कार्य करने में, क्रिया में यानी कार्य क्रिया में क्या होती, वृद्धि होती। तो सतत पुनर्बलन यानी लगातार। एक होता है निश्चित अंतराल में, निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल में पुनर्बलन, यानी एक टीचर जब पढ़ा रहे हैं और बात बात पे कर शाबाश शाबाश शाबाश, तो मतलब बच्चे बोर हो जाएंगे, वो यही नहीं समझ पाएंगे कि पुनर्बलन दे रहा है या फिर क्या कर रहा है। यानी निश्चित अंतराल होना चाहिए, सतत होने चाहिए, निश्चित अंतराल होना चाहिए, निश्चित अंतराल। और निश्चित अंतराल के बाद एक होता है निश्चित अनुपात में, जितना चाहे जितना चाहे, यानी निश्चित अनुपात में पुनर्बलन, यानी निश्चित अनुपात में भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब पुनर्बलन क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील पुनर्बलन होना चाहिए, यानी एक ही जैसा नहीं, उसमें बदलाव होना चाहिए, निश्चित अनुपात में, निश्चित अंतराल में और परिवर्तनशील। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि ये कहते हैं कि क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन, क्रिया के तुरंत बाद क्या देना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। एक इसी क्रिया परशु सिद्धांत में अगर हम बात करें तो जैसे बात की थी सेपिंग प्रविधि की, सेपिंग प्रविधि जिसको कहते हैं सन्निकट विधि, ये नाम दिया था। ये क्या है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को किसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, क्या बोला है, व्यक्ति के व्यवहार को किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पुनर्बलन की सहायता ली जाती है। यानी व्यक्ति को अगर किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने हैं तो उसमें पुनर्बलन को यानी फोर्स को, यानी उसको पुनर्बलन होता क्या है, यानी ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति है ये, और बेचारा एग्जाम में असफल हो गया, अगर उन्हें उसे दोबारा से कहें कि बेटा तू अब की बात पार हो जाएगा, हो सकता है कर किताबें उठा दोबारा से, तो वो हम जो बात बोल रहे हैं उसे पुनर्बलन यानी बल दे रहे हैं। अरे पुनर्बलन का मतलब क्या है, पुनर् का मतलब दोबारा और बल का मतलब फोर्स, उसे दोबारा फोर्स कर रहे हैं, तो वही क्या है कि वो बालक दोबारा से क्या करना लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। तो यहां पे और निश्चित लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, निश्चित लक्ष्य, और उसमें निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमने किसको काम में लिया है, पुनर्बलन को, पुनर्बलन को, और निश्चित लक्ष्य तक क्या हो गया, वो पहुंच गया। अब देखिए, अब बात यहां पे क्या आई, व्यवहार की, किसकी, व्यवहार की, कि व्यक्ति के व्यवहार को किसी निश्चित लक्ष्य, अरे बात यही व्यवहार पे अटकी है। आपको मैंने बताया था कि व्यवहार होता क्या है, मनोशारीरिक होता है, और मनोशारीरिक, मनोशारीरिक यानी इस व्यवहार पर नियंत्रण तो होता है इस मस्तिष्क का, और ये क्रिया जो प्रदर्शित होती है, ये क्रियाएं ये होती है शरीर के द्वारा, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा, चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे शरीर के कोई भी क्रियाओं के द्वारा हो, तो इनके माध्यम से वो क्रिया दोबारा करेगा। अगर दोबारा करेगा तो यहां पे देखो बोला गया कि अब की बार तेरा पार हो जाएगा, तू लग जाएगा, पक्का इंटेलिजेंट है, तो यानी ये उसको फोर्स किया गया, पुनः बल दिया गया, और बाद में वो लक्ष्य पर पहुंच गया। यही तो क्या है, सेपिंग प्रविधि है या सन्निकटे प्रविधि है। क्या बोला गया, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पुनर्बलन की सहायता ली जाती है। इसकी क्या ली जाती है, सहायता ली जाती है, यानी पुनर्बलन की सहायता ली जाती है, इसे ही सेपिंग प्रविधि कहा जाता है। या ये कह दे कि पुनर्बलन के माध्यम से, पुनर्बलन के माध्यम से किसी प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचाना,
पुनर्बलन के माध्यम से किसी प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचाना ही क्या है, सेपिंग प्रविधि है। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखिए उस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। अब सिद्धांत के उपनाम की बात करते हैं। देखो एक तो हमने पढ़ा था आर एस थ्योरी, मतलब आर एस अनुबंधन भी कहेंगे, आर एस अनुबंधन, इसे आर टाइप अनुबंधन भी कहेंगे, जबकि एस टाइप जो अनुबंधन था वो पावलो का था। ठीक है, आर क्या है यहां पे अनुक्रिया है, तो एस क्या है उद्दीपक है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ओके, क्रिया प्रसूत आपने कहा ही था। एक इसको कहा जाता है नेमेटिक अनुबंधन, क्या कहेंगे नेमेटिक अनुबंधन। नेमेटिक अनुबंधन के बाद पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, रिक्त प्राणी उपागम, यानी मस्तिष्क, कोई भी प्राणी हो कोई भी क्रिया करेगा, कोई भी व्यक्ति हो कोई ना कोई क्रिया जरूर करेगा, और उसके बाद उसके व्यवहार के माध्यम से जो उसको पुनर्बलन मिलेगा और वो निश्चित लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया, रिक्त प्राणी उपागम। एक है जैसे उसने क्रिया की तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, तो हम कह सकते हैं संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। एक होता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, क्या नाम होता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, यानी कार्यात्मक कार्य के प्रतिबद्ध होना, जैसे ही धीरे धीरे वो अपने कार्य को करेगा तो धीरे धीरे वो किस में आ जाएगा, उसके व्यवहार में आ जाएगा, अर्थात वो सीख जाएगा। एक इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता के साथ साथ है, हमने एक नाम और पढ़ा था क्रिया प्रसूत को, क्या कहेंगे, अपन कहते हैं ना ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी वो है क्या, क्रिया प्रसूत ही तो है, तो ओसे थ्योरी भी इसको नाम दिया जा सकता है। एक नाम और भी है चैन संयोजन पर आधारित सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत के शिक्षा में क्या महत्व है। देखो इस सिद्धांत में एक बात तो ये ध्यान रखना, कुछ बेसिक बातें यही कर लेते हैं, कि इस सिद्धांत में स्किनर ने क्रियाओं पर विशेष बल दिया है। किस पर बल दिया है, याद रखिए क्रियाओं पर विशेष बल दिया, पुनर्बलन पर विशेष बल, और क्रिया के तुरंत बाद क्या दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। आरएस थ्योरी पर बल दिया, किस पर है, आरएस थ्योरी यानी क्रिया के बाद उद्दीपक, यानी आरएस थ्योरी पर भी बल देता है, आरएस थ्योरी पर बल, या हम कह सकते हैं क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर हमसे पूछता है वो ये है कि पुरस्कार और दंड किस सिद्धांत की देन है। अगर हमें पूछे कि पुरस्कार और दंड किस सिद्धांत की देन है तो हमारा जवाब होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दूसरी बात, जैसे ये सिद्धांत जो है व्यवहार को छोटे छोटे खंडों में बांटकर सुधारने पर बल देता है, यानी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्रियाओं पर विशेष बल देगा, पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन, आरएस थ्योरी पर बल देता है, दंड और पुरस्कार इसी सिद्धांत की देन है। नेक्स्ट बात जो अभी बताई कि व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर सुधारने पर बल देता है, यानी व्यवहार को टुकड़ों में छोटे छोटे खंडों में बांटकर बल सुधारने पर बल देता है। और ये एक बात और ध्यान रखना कि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में सहायक। इसके बाद एक और बात आती है कि ये जो सिद्धांत है वो मानसिक रोगियों के निदान में सहायक है, यानी मानसिक रोग का कारण का पता लगाने के लिए सहायक है। साथ ही साथ जो माइक्रो टीचिंग है यानी सूक्ष्म शिक्षण,
सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और अभिकर्मित अनुदेशन में भी सहायक है। दोस्तों इसी क्रिया परसु सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन को डिवाइड किया है, अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में बताने का प्रयास किया है जो हम नवाचार के रूप में उसको काम में लेते हैं। तो दोस्तों आपको यह सिद्धांत समझ में आया होगा, कोशिश किया कि सारी बातें बताने का पूरा प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर करें और स्वयं इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कहीं पे कुछ कमियां रही तो अवगत करवाते रहिए, अगली बार फिर सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।